हेल्थ प्लस प्रोग्राम च थोड़ा सब का स्वागत है। अज असी तुहानू लैके चल रहे हैं दुराहा दे मशहूर हस्पताल सिद्धू हॉस्पिटल च। तुसी सारे डॉक्टर गुरसरन सिद्धू नाल ते वाकब हो, क्योंकि समय समय दे उपर डॉक्टर साहब सानू सेहत संबंधी बहुत सारे सुझाव देंदे रहिंदे ने, वख वख बीमारियां दे कारणां ते उहनां तों बचाव दे तरीके या उहनां दे इलाज बारे साडे नाल गलबात करदे रहिंदे ने। साडी टीम ने डॉक्टर गुरसरन सिद्धू जी नाल गलबात कीती, जो हैड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन ने। डॉक्टर सिद्धू ने अधरंग दे कारणां ते उहनां दे इलाज बारे दस्या। दर्शको हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज्ज तुहानूं लान जा रहे डॉक्टर ऋषभ सिद्धू जी दे नाल, जो पिछले लंबे समय तों सेवाएं दे रहे ने सिद्धू हॉस्पिटल ग्राह विखे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके दे नाल अज्ज आपां शुगर दी गल कर रही है, आपां बीपी दी गल कर रही है, उहदे नाल सब तों वड्डी जिहड़ी मार पै रही है, सब तों ज्यादा वड्डी जिहड़ी पैरालाइज, जिहड़ा कदे कदे बंदा सोचदा हुंदा हैगा जिस तरह शुगर ना तो बहुत वधी ठीक है ना बहुत घटी ठीक है, उन्हें कंट्रोल जरूरी है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर जिहड़ा है वो भी कंट्रोल दा ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है। वो इस करके कि अगर असीं इन्हां दोनों बीमारियों नूं बेसिक लाइफस्टाइल नूं कंट्रोल कर पाने हां तां असीं स्ट्रोक जिहड़ा कि विंटर्स दे विच खास करके हर विंटर ही स्ट्रोक दा इंसीडेंस, स्ट्रोक नूं पंजाबी च आपां अधरंग कह लैंदे हां, जिहदे विच कि सडनली शरीर का एक पासा खड़ जाता है, राइट साइड खड़ती है तो नाल जुबान भी खड़ जाती है, लैफ्ट साइड अगर खड़ती है स्ट्रोक छोटा होंगे तो जुबान नहीं खड़ती नाल। सो यू आप अधरंग कह लें पंजाबी, इनू इंग्लिश असं स्ट्रोक कहने। स्ट्रोक मीनस सडनली, जिहड़ी चीज सडनली हो जाए कि बंदा रात को ठीक सुता पे। और प्रॉब्लम की होंगी अजकल सब अपने अपने कमर के अकेले पे होंगे और सवेरे उठ के जो कोई देखता है तो देखता कि यह तो बोल ही नहीं रहा या पासा नहीं चल रहा, और एक एग्जैक्ट टाइम का ही किसी को पता नहीं लगता कि यह किन्ने बजे बंदा रात को सुता पे ठीक है, सवेरे बंदे को अधरंग होया कि किस टाइम इन की होया। सो ये चीज़ा बड़िया जरूरी ने पता लगानियाँ, इसलिए एम्फेसिस जरा रहता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के कंट्रोल के रहता है कि इनू कंट्रोल करोगे तो यदा इंसीडेंस घटेगा। चलो हुण जो स्ट्रोक हो गया, क्योंकि विंटर्स के इंसीडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। विंटर्स के क्यों बढ़ता है इंसीडेंस? एक तो खाण पान का फर्क हो जाता है, तो सर्दी के मौसम का फर्क हो जाता है। सर्दी के जिवें आपां भी सुंगड़ सुंगड़ के बैठते हैं, इसे तरह अपना खून दियां नाड़ियां भी थोड़ी सुंगड़ जांदियां ने। सुंगड़न के नाल जिहड़ी उहनां दी निकासी हुंदी है ब्लड की वह घट जाती है, तो ब्रेन नूं जिहड़ियां खून दियां नाड़ियां सप्लाई कर रहियां हुंदियां है उत्थे जे कोई क्लॉट आ जाता है, जे राइट साइड से क्लॉट आ गया तो लैफ्ट साइड का अधरंग हो गया, और लैफ्ट साइड से क्लॉट आ गया तो राइट साइड का अधरंग हो गया। सो वो इमीडिएटली जो थोनों पता लग्या कि अधरंग हो गया, हुण आपां की करिए? बहुत सारे लोग कहते हैं भी इहनूं ना फीम खवा दिया करो, ये बहुत गलत मनोधारणा है। फीम का उस वेले कोई मतलब नहीं है, बल्कि कई बार मुश्किल हो जाता सानू उस वेले असैस करना कि बंदा जे बेहोशी जी की है, रिस्पोंड नहीं कर रहा, ये नशे करके नहीं कर रहा या ये अधरंगे का ज्यादा बनया हुआ है। सो वो दे विच नहीं रहना चाहिए। अगर अधरंग होया तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि टाइम इज ब्रेन, रिमेंबर टाइम इज ब्रेन। असी उस वेले क्लॉट आ गया, ब्रेन नूं खून की सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो अगर असी टाइम वेस्ट कर लाँगे तो ब्रेन का उन्ना एरिया बिल्कुल डेड हो जूगा। सो इमीजिएटली जदों ही थोनों पता लगे कि किसी नूं अधरंग होया तो उन्हों उस सेंटर च इमीजिएटली वड्डे हॉस्पिटल दे विच जिथे इमीजिएटली सीटी स्कैन हो जाता, पेशेंट साढ़े कोल आंदा, सानूं पता लगता है कि अधरंग होया पेशेंट नूं, असीं उन्हों कोई लाइन च नहीं लगाते कि अद्धे घंटे बाद उहदी वारी आएगी या घंटे बाद। इह जिहे पेशेंट्स इमीजिएटली साडा एमरजेंसी च जाता है, आईसीयू च जाता है, इमीजिएटली उहदा सीटी स्कैन हो जाता है 15 मिनट के अंदर अंदर, और पता लग जाता है कि अधरंग की वजह की है।
कि दिमाग दे विच ब्लड प्रेशर वधन नाल खून की नाड़ी फटी हुई है या कि खून की नाड़ी ब्लॉक हुई हुई है। अगर खून की नाड़ी ब्लॉक मतलब क्लॉट ने ब्लॉक की हुई है फिर इहदी टैक्नीक नूं कहिंदे थ्रोम्बोलाइसिस टैक्नीक। सीटी स्कैन ने सानूं इमीजिएटली दसदा फिर वो जिहड़ा क्लॉट आ जांदा ब्रेन दे विच असीं उहनूं इंजैक्शन दे नाल उहनूं पंजाबी च इह कि खोरिया जा सकदा है। सो क्लॉट नूं उहनूं थ्रोम्बोलिटिक ड्रग हुंदी है दवाई हुंदी है जिहनूं TPA कहिंदे है जिहड़ी कि इमीजिएटली थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीजन ए दवाई दा नाम है। तो उन्हों असी इमीजिएटली अगर दिता जाए वह इंजैक्शनस वो असी दिने 4.5 घंटे के अंदर अंदर मतलब टोटल जो स्ट्रोक होया अधरंग होया पेशेंट थोड़े को फटाफट पहुँच भी जाए पेशेंट का सीटी स्कैन भी हो जाए तो भी देखा जा सके कि असी इनू दे सकते हैं कि नहीं क्योंकि कोई पेशेंट्स जिन्हों खून दिन नाड़ियाँ ब्रीक होंगे या ब्लड का कोई नुक्स होंगे या कोई जिन्हों का शराब या काले पीलिए की वजह के नाल लिवर खराब होया हुंदा है उन्होंने ये इंजैक्शन नहीं दिते जाते क्योंकि उन्होंने खून पहले ही पत्ता हुंदा। सो ये भी असी फटाफट क्विकली डॉक्टर जिहड़े ने इमीजिएटली असी देख लैंदे आ उस वेले कि भाई ये पेशेंट नूं इहनूं फायदा करूगा और टाइमली टाइम का इत्थे बहुत ही महत्व है। इसीलिए मैं पहला वर्ड कहा कि टाइम इज ब्रेन क्योंकि अगर लेट हो जाते हो तुसी 8-10 घंटे रात को होया सवेरे आप लेके आने या आप उत्थे किते पिंड या किते नेड़े सीटी स्कैन तो बिना अपना टाइम खराब हो जाता है तो अपन फिर अगर 12-14 घंटे हो गए फिर वो इंजैक्शन का कोई असर नहीं होता फिर वो पैसे वेस्ट करन का भी कोई मतलब नहीं निकलता। सो इसीलिए यह उदो ही दिता जाता है जिन्ना कि 4.5-6 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाए पेशेंट हॉस्पिटल भी पहुँच जाए पेशेंट के क्विकली टेस्ट भी हो जाए पेशेंट का सीटी स्कैन भी हो जाए और पेशेंट को इंजैक्शन भी लग जाए तो उहदे नाल फिर पेशेंट की जिहड़ी रिकवरी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है इमीजिएट हो जाती है क्योंकि तुहानू पता है कि एक बार जो पेशेंट अधरंग हो गया उहदी तो जिंदगी जिहड़ी है बेडरिडन सारी उम्र रहनी रहनी है ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੋ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਟੋਇਲੈਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ कि अगर किसी को भी अधरंग स्ट्रोक होता सो फर्स्ट थिंग यू डू इज कि ब्रिंग द पेशेंट इमीजिएटली टू द हॉस्पिटल जो दवाइया दवाइया चल रही ने उन्होंने नाल ही लिया के तुसी पेशेंट नो फटाफट लिया के फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज सीटी स्कैन ऑफ द पेशेंट। एंड सो दीस ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट सिद्धु हॉस्पिटल दुराहा। एब्सोल्युटली ऑल दीस फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट सिद्धु हॉस्पिटल दुराहा एंड असी बहुत सालों तो यह विधि दिस इज नॉट अ परसनल थिंग दिस इज साइंटिफिक दिस इज बाय द न्यूरोलॉजी एसोसिएशन ऑल द न्यूरोलॉजी एसोसिएशन बाय द वर्ल्ड दिस इज अ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दिस इज नॉट माय इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिस इज द ट्रीटमेंट विच ऑल द स्ट्रोक स्पेशलिस्ट आर द डॉक्टर्स हु ट्रीट स्ट्रोक्स so they are neurologists physicians so and so the doctors who treat stroke patients so all the stroke doctors stroke physicians they this is the same therapy agar unna kole oh hospitals chahiye ne they all of them they treat it this way or important is ke immediately same we call it a window period ki apne kol sirf time di ek hi khidki hai jehde 4.5 aur 6 ghante di khidki hai ese dauran assi सारा कुछ पेशेंट को संभाल लेना एंड ऑल दी फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद अस असी इत्थे पेशेंट नू दैट्स व्हाट आई सेड कि पेशेंट नू साडा जिहड़ा असी कहने आ डोर टू नीडल टाइम के पेशेंट आया और असी उहनू किन्नी जल्दी क्विकली इंजेक्शन दे सकदे आ क्योंकि इन्नी देर दे विच उहदे टेस्ट भी हो जाण सीटी स्कैन भी हो जाए जिन्नी देर तो पेशेंट हॉस्पिटल दे डोर तो आया नेक्स्ट हाफ एन आवर तक असी उहनू ए रेडी हो जाने कि असी पेशेंट नू इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं और इन्नी देर दे विच उहदी सीटी स्कैन और रिपोर्ट्स वगैरह
ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੋਡੇ ਚੁੱਲੇ ਬਦਲਣਾ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਪਾਈਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। एक बहुत सालों तो इस सर्विस रूरल इंडिया एक्चुअली की ख्वाब ये सीगा कि रूरल इंडिया को सर्विस देनी है इस वास्ते ही डॉक्टर बंत सिंह सिद्धू ने इस जगह की नींव रखी सी और आज की डेट के विच बेसिकली दिस इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स या ऑल न्यूअर सर्जरीज और इवन यू नो बैकएक जिथे स्पाइन बैकएक दी वजह जे सर्जिकल नाल ठीक होनी है तो उहदी स्पाइन सर्जरी हो जानी है नहीं तो लोकल इंजेक्शन्स और सिमिलरली जिस तरह तुसी कहा कि गोडे चुले सब कुछ बहुत सालों तो बहुत सक्सेसफुली लगातार इतने हो रहा है। राइट।